आरजू खुद पेश हुई अदालत में, अब क्या कार्रवाई हुई? जी, इस वक्त हाई कोर्ट के आगा साहब की कोर्ट में इन्हें बुलाया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एवरी 6-3 मंथ्स जो है इसको पुलिस में जाकर रिपोर्ट करना, शी इज़ हैप्पी। तो आज कोर्ट ने बुलाया, पिछली दफ़ा 12 अक्टूबर को भी बुलाया था, और आज बच्ची से खुद पूछा गया शी इज़ हैप्पी विद हर पेरेंट्स, तो उसने कहा जी मैं बहुत खुश हूँ। तो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और इसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि अभी इसको शी डज नॉट नीड टू अपीयर इन द पुलिस स्टेशन और इन द कोर्ट एनी मोर हाई कोर्ट में। बाकी ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, वो कंटिन्यू रहेंगी। हाई कोर्ट की हद तक जो है अपेरेंस वाला मामला है वो डिस्पोज ऑफ। बच्ची की वेलफेयर और एजुकेशन के लिए क्या हो रहा है, मतलब स्टडी कर रही है, आगे पढ़ रही है? जी, लिविंग होप शेल्टर में जो है वो इसको हेल्प कर रहा है, इसकी स्किल डेवलपमेंट में और इसको एजुकेशन में, और 9th क्लास की इसको तैयारी करवाई जा रही है ताकि ये बोर्ड में अपीयर हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट और 9th और 10th के एग्ज़ाम देकर आगे जो है रेगुलर पे स्टडीज़ कर सके। माँ बाप मुतमईन है, खुश हैं? माँ बाप बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये मामा मौजूद हैं, पूछ लीजिए उनसे। आप खुश हैं, बेटी आपकी वापस आ गई? जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, शुक्र है खुदावन का, मेरी बेटी मेरे पास है और शुक्र है खुदावन का भी ये स्टडी वगैरह भी कर रही है। सिस्टर पास गुजाला हमारी हेल्प कर रही है, वो इनको जो है ना वो क्लासेस दे रही है ताकि ये जो है ना मतलब पढ़ाई में अच्छी हो जाए। अच्छा, बेशतर दफ़ा ये लोग कहते हैं कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, आपकी मुश्किल हालात से गुजरे तो देर से सही, लेकिन इंसाफ मिला आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र है खुदावन। आप केयर कर रहे हैं बच्ची की? सेटिंग बिल्कुल, आप सेटिंग घर पे बिल्कुल स्टडी कर रही हैं, माँ बाप के साथ मुतमईन है? चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। आरजू खुद पेश हुई अदालत में, अब क्या कार्रवाई हुई? जी, इस वक्त हाई कोर्ट के आगा साहब की कोर्ट में इन्हें बुलाया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एवरी 6-3 मंथ्स जो है इसको पुलिस में जाकर रिपोर्ट करना, शी इज़ हैप्पी। तो आज कोर्ट ने बुलाया, पिछली दफ़ा 12 अक्टूबर को भी बुलाया था, और आज बच्ची से खुद पूछा गया शी इज़ हैप्पी विद हर पेरेंट्स, तो उसने कहा जी मैं बहुत खुश हूँ। तो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और इसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि अभी इसको शी डज नॉट नीड टू अपीयर इन द पुलिस स्टेशन और इन द कोर्ट एनी मोर हाई कोर्ट में। बाकी ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, वो कंटिन्यू रहेंगी। हाई कोर्ट की हद तक जो है अपेरेंस वाला मामला है वो डिस्पोज ऑफ। बच्ची की वेलफेयर और एजुकेशन के लिए क्या हो रहा है, मतलब स्टडी कर रही है, आगे पढ़ रही है? जी, लिविंग होप शेल्टर में जो है वो इसको हेल्प कर रहा है, इसकी स्किल डेवलपमेंट में और इसको एजुकेशन में, और 9th क्लास की इसको तैयारी करवाई जा रही है ताकि ये बोर्ड में अपीयर हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट और 9th और 10th के एग्ज़ाम देकर आगे जो है रेगुलर पे स्टडीज़ कर सके। माँ बाप मुतमईन है, खुश हैं बच्ची? माँ बाप बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये मामा मौजूद हैं, पूछ लीजिए उनसे। आप खुश हैं, बेटी आपकी वापस आ गई? जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, शुक्र है खुदावन का, मेरी बेटी मेरे पास है और शुक्र है खुदावन का भी ये स्टडी वगैरह भी कर रही है। सिस्टर पास गुजाला हमारी हेल्प कर रही है, वो इनको जो है ना वो क्लासेस दे रही है ताकि ये जो है ना मतलब पढ़ाई में अच्छी हो जाए। अच्छा, बेशतर दफ़ा ये लोग कहते हैं कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, आपकी मुश्किल हालात से गुजरे तो देर से सही, लेकिन इंसाफ मिला आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र है खुदावन। आप केयर कर रहे हैं बच्ची की? सेटिंग बिल्कुल, आप सेटिंग घर पे बिल्कुल स्टडी कर रही हैं, माँ बाप के साथ मुतमईन है? चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। Thank you.
पोजीशन पर्पस हैज बीन क्लच्ड इसी वजह से जो है कि थैंक यू। जी आरजू खुद पेश हुई अदालत में, अब क्या कार्रवाई हुई? जी इस वक्त हाई कोर्ट के आगा साहब की कोर्ट में इन्हें बुलाया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एवरी सिक्स 3 मंथ्स जो है इसको पुलिस में जाकर रिपोर्ट करना, शी इज़ हैप्पी। तो आज कोर्ट ने बुलाया, पिछली दफ़ा 12 अक्टूबर को भी बुलाया था और आज बच्ची से खुद पूछा गया शी इज़ हैप्पी विद हर पेरेंट्स, तो उसने कहा जी मैं बहुत खुश हूँ। तो हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और इसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि अभी इसको शी डज नॉट नीड टू अपीयर इन द पुलिस स्टेशन और इन द कोर्ट एनी मोर हाई कोर्ट में। बाकी ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू रहेंगी, हाई कोर्ट की हद तक जो है अपेरेंस वाला मामला है वो डिस्पोज हो। बच्चे की वेलफेयर और एजुकेशन के लिए क्या हो रहा है, मतलब स्टडी कर रही है, आगे पढ़ रही है? जी लिविंग होप शेल्टर में जो है वो इसको हेल्प कर रहा है इसकी स्किल डेवलपमेंट में और इसको एजुकेशन में, और 9th क्लास की इसको तैयारी करवाई जा रही है ताकि ये बोर्ड में अपीयर हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट और 9th और 10th के एग्ज़ाम देकर आगे जो है रेगुलर पे स्टडीज़ कर सके। माँ बाप मुतमईन है, खुश हैं? माँ बाप बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये मामा मौजूद हैं, पूछ लीजिए उनसे। आप खुश हैं, बेटी आपकी वापस आ गई? जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, शुक्र है खुदावन का मेरी बेटी मेरे पास है और शुक्र है खुदावन का भी ये स्टडी वगैरह भी कर रही है। सिस्टर पास्टर गुजाला हमारी हेल्प कर रही है, वो इनको जो है ना वो क्लासेस दे रही है ताकि ये जो है ना मतलब पढ़ाई में अच्छी हो जाए। अच्छा, बेशतर दफ़ा ये लोग कहते हैं कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, आपकी मुश्किल हालात से गुजरे तो देर से सही लेकिन इंसाफ मिला आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र है खुदावन। आप केयर कर रहे हैं बच्ची की? सेट है बिल्कुल, आप सेट हैं घर पे? बिल्कुल, स्टडी कर रही हैं, माँ बाप के साथ मुतमईन है। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आरजू खुद पेश हुई अदालत में, अब क्या कार्रवाई हुई? जी इस वक्त हाई कोर्ट के आगा साहब की कोर्ट में इन्हें बुलाया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एवरी सिक्स 3 मंथ्स जो है इसको पुलिस में जाकर रिपोर्ट करना, शी इज़ हैप्पी। तो आज कोर्ट ने बुलाया, पिछली दफ़ा 12 अक्टूबर को भी बुलाया था और आज बच्ची से खुद पूछा गया शी इज़ हैप्पी विद हर पेरेंट्स, तो उसने कहा जी मैं बहुत खुश हूँ। तो हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और इसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि अभी इसको शी डज नॉट नीड टू अपीयर इन द पुलिस स्टेशन और इन द कोर्ट एनी मोर हाई कोर्ट में। बाकी ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू रहेंगी, हाई कोर्ट की हद तक जो है अपेरेंस वाला मामला है वो डिस्पोज हो। बच्चे की वेलफेयर और एजुकेशन के लिए क्या हो रहा है, मतलब स्टडी कर रही है, आगे पढ़ रही है? जी लिविंग होप शेल्टर में जो है वो इसको हेल्प कर रहा है इसकी स्किल डेवलपमेंट में और इसको एजुकेशन में, और 9th क्लास की इसको तैयारी करवाई जा रही है ताकि ये बोर्ड में अपीयर हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट और 9th और 10th के एग्ज़ाम देकर आगे जो है रेगुलर पे स्टडीज़ कर सके। माँ बाप मुतमईन है, खुश हैं? माँ बाप बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये मामा मौजूद हैं, पूछ लीजिए उनसे। आप खुश हैं, बेटी आपकी वापस आ गई? जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, शुक्र है खुदावन का मेरी बेटी मेरे पास है और शुक्र है खुदावन का भी ये स्टडी वगैरह भी कर रही है। सिस्टर पास्टर गुजाला हमारी हेल्प कर रही है, वो इनको जो है ना वो क्लासेस दे रही है ताकि ये जो है ना मतलब पढ़ाई में अच्छी हो जाए। अच्छा, बेशतर दफ़ा ये लोग कहते हैं कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, आपकी मुश्किल हालात से गुजरे तो देर से सही लेकिन इंसाफ मिला आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र है खुदावन। आप केयर कर रहे हैं बच्ची की? सेट है बिल्कुल, आप सेट हैं घर पे? बिल्कुल, स्टडी कर रही हैं, माँ बाप के साथ मुतमईन है। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है।